नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकः न चयनं क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। बुरा काम करने वाले सबसे पहले अपने विवेक की हत्या करते हैं ताकि उन्हें अच्छे बुरे में सच्चे झूठे में पुण्य में पाप में कोई फर्क ही दिखाई न दे। नमस्कार दर्शकों, अभी अभी आपने जो आवाज सुनी उसको सुनकर तो आप दंग रह गए होंगे, क्योंकि इतने सालों तक इतने सारे माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखते हम आए, लेकिन हम ये नहीं जान पाए कि उसके पीछे यानी कि पर्दे के पीछे कौन है। तो नारद टीवी दर्शकों के लिए एक नई खास पेशकश ला रहा है, पर्दे के पीछे सीरीज, जिसमें हम तमाम ऐसे कलाकारों को इनवाइट करेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे से इतिहास रचा है और ऐसे ऐतिहासिक सीरियल्स और फिल्म्स हमें दी हैं। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले इंटरव्यू होगा एक बेहद खास वॉइस ओवर आर्टिस्ट जिन्होंने श्री कृष्णा में अपनी आवाज दी थी। उनका नाम तो अभी हम रिवील नहीं करेंगे, पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्री कृष्णा में उन्होंने युधिष्ठिर और स्वयं कृष्णा की आवाज दी थी। साईं बाबा सीरियल में भी साईं बाबा यानी जिसका करेक्टर मुकुल नाग जी कर रहे थे, उनकी आवाज भी इन्हीं महाशय ने दी है। तो ये एक्साइटिंग सीरीज, ये एक्साइटिंग एपिसोड देखने के लिए जुड़ रहे हैं नारद टीवी से। हमारा ये एपिसोड रिलीज होगा 9 दिसंबर को, तब तक के लिए आप ये क्लिपिंग्स एंजॉय कीजिए। शिशुपाल, मैंने तुम्हारी माँ को तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था। उन अपराधों की संख्या अब पूरी होने वाली है। जरा ध्यान रखो, अब एक शब्द भी आगे बोला तो वो तुम्हारा अंतिम शब्द होगा। सावधान शिशुपाल, सावधान। नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई, जब से दुनिया बनी है आपस की दुश्मनी में इनकी दोस्ती हमेशा कायम रही है। हे अर्जुन, तुमने अपने गांडे की टनकार से युद्ध की घोषणा तो कर दी है, अब अपने सारथी को आज्ञा दो कि मैं क्या करूं। और यकीन मानो, बुराई का सदा बोल रहा है। बुराई की ताकत ने हमेशा अच्छाई को खदेड़ा है, लेकिन अच्छाई ने हमेशा अपनी अंदरूनी शक्तियों को इकट्ठा करके बुराई को परास्त किया है।